दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात इसकी घोषणा की। दिनेश त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे। दिनेश त्रिपाठी इसी दिन पदभार संभालेंगे। दिनेश त्रिपाठी अभी नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ हैं। वे इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। अपने 29 साल लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट्स पर काम किया है। वाइस एडमिरल दिनेश 1 जुलाई 1985 के भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे। वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर स्पेशलिस्ट है। वे नौसेना के फ्राइटेंड युद्ध पदों पर सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर ऑफिसर रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी ने कई अहम ऑपरेशन और स्टाफ नियुक्तों पर भी काम किया है। इसमें मुंबई में पश्चिमी बेरे के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ नेवल ऑपरेशन प्रिंसिपल डायरेक्टर नेटवर्क स्ट्रेकिंग ऑपरेशन और नई दिल्ली में प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल प्लांस शामिल है। उन्होंने रियर एडमिरल के पद पर प्रमोशन के बाद नेशनल हवाई कार्ड में नौसेना स्टाफ के असिस्टेंट चीफ और पूर्वी बेरे के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में काम किया। जून 2019 में उनका वाइस एडमिरल के पद पर प्रमोशन हुआ। इसके बाद उन्होंने केरल के एझिमाला में भारतीय नौसेना अकेडमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।